स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज़। मैं हूं पल्लवी। चलिए बढ़ते हैं देश और दुनिया की ताज़ा खबरों की ओर। शाहपुर पुलिस ने 27 अगस्त 2024 को हुए अंधे कत्ल का पर्दाफाश कर आरोपी इंद्रपाल वाडिवा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में मृतक मुकेश उइके के मां ने अपने बेटे की हत्या की सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी थी। मृतक मुकेश उर्फ छोटू उइके का शव 27 अगस्त को शाहपुर के आमढाना इलाके में बहते नाले में सड़ी गली अवस्था में पाया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी। थाना प्रभारी शाहपुर निरीक्षक जयपाल इवतानी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने वैज्ञानिक और फोरेंसिक साक्ष्यों की मदद से जांच को आगे बढ़ाया। सीन ऑफ क्राइम प्रभारी आबिद अंसारी और डॉग स्क्वाड की सहायता से घटनास्थल की बारीकी से जांच की गई। जांच में यह बात सामने आई कि मृतक मुकेश उइके को आखिरी बार इंद्रपाल वाडिवा के साथ देखा गया था। 18 सितंबर 2024 को इंद्रपाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। इंद्रपाल ने बताया कि उसने मुकेश से गाली गलौच और मारपीट के बाद घूंसा मारकर और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद शव को नाले में फेंक दिया था। पुलिस अधीक्षक बैतूल निश्चल जारिया के निर्देशन और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस शाहपुर मयंक तिवारी के पर्यवेक्षण में इस केस का सफलतापूर्वक निपटारा हुआ। ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए केकेआर न्यूज के साथ।